हाय एवरीवन, मैं रमन भाटिया, मैनेजिंग डायरेक्टर सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, FAQs हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट अल्ट्रावायलेट रेज, UVC, फार UVC, वायरस मरेंगे कि नहीं मरेंगे, सर्टिफिकेशन, बहुत सारे सवाल हैं। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि फार UVC और जर्मिसिडाइल UVC में क्या फर्क होता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये दोनों एक बैंड हैं। टोटल यूवी अल्ट्रावायलेट रेज का जो बैंड है वो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, इट इज़ अ वेवलेंथ। जब ये सारी जो अल्ट्रावायलेट्स हैं ये सूरज से हमें मिलती हैं, सूरज की रोशनी से, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो रोशनी हम तक पहुंच पाती है वो रोशनी हम तक पहुंच पाती है 300 और 280 से लेके 400 तक की जो रेंज है वो हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है। 100 to 280 तक की जो नैनोमीटर की रेंज है वो ओजोन लेयर से टकरा के वापस चली जाती है और वो पृथ्वी तक पहुंचती नहीं है। इसलिए इस रेंज को हम लोग इलेक्ट्रिकली जनरेट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जो ये रेंज है, ये रेंज मल्टीपल तरीकों से यूज़ की जा सकती है या जाती रही है पिछले कई सैकड़ों साल से। मैं इसकी बात आज इस पैनेडेमिक टाइम में नहीं कर रहा, ये सैकड़ों साल से यूज़ हो रही है। क्या यूज़ है, अगर आप लोग देखें या आप सोचने की कोशिश करें तो जब कोई बच्चा प्री मेच्योर बेबी होता है तो उसको एक नर्सरी में रखा जाता है। उस नर्सरी के अंदर एक अलग तरह की लाइट्स लगी होती हैं, वो लाइट अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। उसको आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट रेज दी जाती हैं ताकि उसके अंदर विटामिन डी और दूसरे तरह के B12 वगैरह का जनरेशन हो पाए, इसको दिया जाता है। इसके अलावा सालों से हमारे हॉस्पिटल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। जितने भी ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, हर ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन करने से पहले और ऑपरेशन करने के बाद अल्ट्रावायलेट रेज से क्लीन किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है। ये बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। तो इस सब के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो UVC बैंड यूज़ किया जाता है। कई जगहों पर UVB बैंड यूज़ किया जाता है, जैसे सोरासाइस एक बीमारी होती है स्किन की, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे वाउंड्स को रिपेयर करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ की जाती हैं। बट जो UVC है, जिसका एक पर्टिकुलर बैंड है, दैट इज कॉल्ड 253.7, इसको जर्मिसिडाइल रेंज कहा जाता है। ये रेंज वो रेंज है जिस रेंज पे सारे वायरस और बैक्टीरियाज के RNA और DNA किल हो सकते हैं आसानी से, इट इज़ अ जर्मिसिडाइल रेंज। बट इस रेंज को ह्यूमन बॉडी के लिए बेहतर कंसिडर नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि इससे ह्यूमन बॉडी स्किन और आइज को नुकसान पहुंचता है। अब यहाँ से बात आती है फार UVC। फार UVC, जैसा कि फार शब्द अपने आप में बताता है कि ये यूवी का वो रेंज है जो बिल्कुल लोएस्ट रेंज है, दैट इज फ्रॉम 200 to 222। ये वो रेंज है, इस रेंज में भी इसको कंसिडर किया गया। स्टडीज ये बताती हैं कि जो 2222 की जो रेंज है, ये रेंज उतनी ही इफेक्टिव है वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए जितना 253.7 है। लेकिन फ़र्क सिर्फ एक ही है कि जर्मिसिडाइल रेंज ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी कंसिडर नहीं की जाती या सेफ कंसिडर नहीं की जाती, बट ये रेंज ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाती। अब अगर आप इस बात को और ध्यान से समझना चाहते हैं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जिसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो और यू कैन रीड दैट स्टडी, इट विल हेल्प यू। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या फार UVC 222 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो कोरोना वायरस को किल कर सकती है। हाँ, ये कर सकती है और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हैं। अगर आप देखना चाहें या पढ़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, यू कैन रीड दैट स्टडी। जो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं उन्होंने वो स्टडीज़ की हैं और उन्होंने पब्लिश भी किया है ऑनलाइन, तो हमने उसका लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका नाम रखा है यूवी लेंस, डिजिटल सैनिटाइजर, जो प्योरली फॉर यूवीसी 222 नैनोमीटर रेंज पे काम करता है, और ये स्किन और आईज़ के लिए, ह्यूमन स्किन एंड आई के लिए पूरी तरह से सेफ कंसिडर किया गया है एज़ पर द स्टडी, और ये 10 सेकेंड में इफेक्टिवली बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर देता है अप टू 99%। और इसके हम लोगों ने टेस्ट कराया है, जो हमारी प्रिंसिपल कंपनी है कोरिया में ये प्रोडक्ट बनता है, कनाडा बेस्ड कंपनी है, एंड ये प्रोडक्ट कंसेप्टलाइज हुआ है कनाडा में और मैन्युफैक्चर किया जाए कोरिया में, जो बहुत जल्दी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग कोरिया की इंफ्रारेड जो लैब है उसमें भी टेस्ट किया गया है, और इसको कनाडा में भी टेस्ट कराया गया, जो ये साबित करता है कि 10 सेकंड में, लेस देन 10 सेकंड, 99% तक बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यूवी लेन जो हमारा डिजिटल सैनिटाइज़र है इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, कैसे ये किसी भी स्मार्टफोन की फ्लैश को 222 nm में फॉर यूवीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें आपको समझना होगा कि इसके अंदर एक बायोग्रेड फिल्म है जो किसी भी रोशनी के साथ इंटरेक्ट करने में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में कन्वर्ट करती है उसकी रोशनी को, दैट इज़ 222 nm, और वो जो रेंज है उसको करने के लिए इसमें एक बायोग्रेड फिल्म है जो पेटेंटेड है प्रोडक्ट। ये एक्चुअल में तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वन मोबाइल फ्लैश दैट इज़ अ स्मार्टफोन, दूसरा बायोग्रेड फिल्म हार्डवेयर जो हम लोग आपको देते हैं, तीसरा है एप्लीकेशन जो आपको ऐप स्टोर से या एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होती है। जब ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो ये काम करना शुरू करता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम देखते हैं कुछ एरल लाइट या फेविक्विक वगैरह की हम जब बातें करते हैं, जब तक हम दोनों तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं, तब तक कॉम्बिनेशन का रिजल्ट नहीं आएगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो कॉम्बिनेशन के बाद बनता है। सेम ऐसे ही जब तक ये दोनों तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी नहीं, तब तक 222 nm के साथ फॉर यूवीसी जनरेट नहीं होगी। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट चाइनीज है क्या। हमें बहुत सारे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, उसकी वजह है कि हम सब लोग इतना ज़्यादा हैप्चुअल हो चुके हैं कि हमें लगता है कि चाइना के अलावा कोई प्रोडक्ट कहीं और जनरेट नहीं हो सकता या कहीं और बन ही नहीं सकता। ये प्रोडक्ट 100% गारंटेड चाइनीज नहीं है। ये प्रोडक्ट कंसेप्चुलाइज हुआ है, यानी कि ये डेवलप हुआ है, डिज़ाइन हुआ है इन कैनेडा, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है इन कोरिया, जस्ट सेम जैसे आईफोन डेवलप और डिज़ाइन किया जाता है कैलिफोर्निया में और ये बनाया जाता है चाइना में, सेम ऐसे इसको कोरिया में बनाया गया है। बिकॉज वी आर अ इंडियन एंड वी आर रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस, और इसके अलावा हम आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी ये भी प्रोडक्ट अब इंडिया में बनने लगेगा। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, डिजिटल सैनिटाइज़र कैसे काम करता है, ये प्रोडक्ट चलेगा कैसे, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। इस सब को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे इसके लिए मल्टीपल वीडियोस हम लोगों ने अपलोड की हैं, जिसमें हमने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो, इसकी वर्किंग वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करती है। इसके अलावा उसका लिंक भी हमने इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, यू कैन गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यूवी लाइट के बिजनेस में सर्वोटेक क्यों आया, सर्वोटेक यूवी लाइट के बिजनेस में क्यों है, क्या करना चाहता है। तो यहाँ मुझे बताना होगा एक बार फिर से आपको, जो हम पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी हम बताते हैं, सर्वोटेक 2010 से लाइटिंग बिजनेस में है,
हम लोग लाइटिंग में बहुत पुराने हैं और शायद हम ये कहेंगे कि नॉर्थ इंडिया में हम पहले थे जिन्होंने गोनियो फोटोमीटर इंस्टॉल किया था इन आवर इन हाउस लैब। गोनियो फोटोमीटर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे हम कुछ भी लाइट के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइट कितना फैलेगी। दो अगर पोल्स लगे हुए हैं, जैसे हम स्ट्रीट लाइट अगर देखते हैं तो दो स्ट्रीट लाइट्स के बीच में एक डिस्टेंस होता है, हाईवे पे कोई और डिस्टेंस होता है, गलियों के अंदर खंभे बहुत पास होते हैं, पोल्स बहुत पास होते हैं, छोटी रोड्स पे कुछ और डिस्टेंस होते हैं, ये सब आईएस स्टैंडर्ड्स हैं। अब इन आईएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दो पोल्स के बीच में दूरी कितनी होगी, कितनी रोशनी आएगी, वो रोशनी कितनी फैलेगी, सड़क की चौड़ाई कम होती है, सड़क की लंबाई ज़्यादा होती है तो रोशनी कितनी फैलेगी, उसमें रोशनी कितनी होगी, उसका कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होगा। कलर रेंडरिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि कलर के अंदर वेरिएशन होता है। अगर देखें या आप समझने की कोशिश करें तो जो लेडीज़ होती हैं जब वो कपड़ा खरीदने जाती हैं तो जब भी किसी कपड़े का कलर देखने की कोशिश करती हैं तो वो अक्सर कपड़े को बाहर ला के सूरज की रोशनी में देखती हैं तो वो देखती हैं कि कलर शिफ्ट हो जाता है। उसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी जो होती है वो प्योर रोशनी होती है तो उसमें कलर का जो रेंडरिंग इंडेक्स है वो शिफ्ट नहीं होता, लेकिन नॉर्मल लाइट में वो शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके के जितने भी चेंजेस किसी भी लाइट में होते हैं, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, वो सब हम अपनी लैब में टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमने 2010 में अपनी कंपनी में इंस्टॉल किए। जब हमने इस सबको किया तो हम लोग इंडिया में सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सबके लिए हमने काम किया, पैन इंडिया हमने काम किया। जब हमने इतना सारा काम किया और ये पैनडेमिक सिचुएशन आई तो इस सिचुएशन में हम लोग GIZ जर्मन गवर्नमेंट का एक एंटरप्राइज है जिसके लिए हम लोग सोलर के कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि वी हैव टू एंटर इन यूवी लाइट फॉर जर्मनी, क्योंकि जर्मनी यूके यूरोप में ये पैनडेमिक हमसे पहले आई थी। तो हमने फरवरी में इसमें काम करना शुरू किया उनके लिए, बट मार्च में यहाँ आके लॉकडाउन हो गया तो हमें लगा हम हिंदुस्तान के लिए ये काम क्यों ना करें। और जब हम इसमें एंटर किए, क्योंकि हमारे पास वो सारी नॉलेज बेस और वो सारी समझ और हमारे पास टेक्निकल लोग थे, तो हम लोगों ने अपनी सारी इनपुट और अपना एक्सपीरियंस में लगा दिया और कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, हमने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाए जो लोगों को बहुत पसंद आए। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज हिंदुस्तान की टॉप शॉट कंपनीज में जो यूवी लाइट में काम कर रही हैं हम उसमें गिने जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में बनाई गई मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल है या आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल है जो अनआंसर्ड रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं अगली वीडियोज़ में उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।